प्रतीक्षा जी की 3 दिन पहले मेहंदी थी और मेहंदी का फंक्शन हो उससे पहले जहां उनकी शादी फिक्स हुई थी वहां शादी टूट गई और जहां वो शादी करना चाहती थी वहां उनकी शादी हो गई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ गौतम, आपका गुरु मेंटोर, स्वागत करता हूं। आज की सक्सेस स्टोरी आपकी वाइब्रेशंस को सुपर हाई कर देगी, आपको मजबूर कर देगी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। चलिए बिना समय गवाए फटाफट से पढ़ लेते हैं आज की सक्सेस स्टोरी जो हमें प्रतीक्षा जी ने भेजी है। प्रतीक्षा जी लिखती हैं, हेलो ऋषभ सर, मेरा नाम प्रतीक्षा गुप्ता है, मेरे पार्टनर का नाम मनीष पटेल है, हम नासिक महाराष्ट्र में रहते हैं। हम दोनों लास्ट 3.5 इयर्स से रिलेशनशिप में थे। जब मेरे घर पर शादी की बात स्टार्ट हुई तो मैंने और मनीष ने मेरे पेरेंट्स से बात करने का डिसीजन लिया। मनीष की फैमिली पहले से ही हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता था एंड उनकी फैमिली रिश्ते के लिए रेडी थी। दिसंबर मंथ में जब मैंने अपनी फैमिली से बात की तो सबने क्लियर ना कह दी और इस इंसिडेंट के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ते देखने लगे जिससे जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। मैं अपने घर पर बार बार बात करती रही बट कोई नहीं माना, मैं हेल्पलेस हो गई थी। 2-3 दिन बाद जब मेरी बात अपनी कजिन सिस्टर से हुई तो उसने मुझे आपकी वीडियो भेजी एंड हेल्पलाइन नंबर दिया। मैंने तुरंत कॉल किया एंड आर ओ सर से बात की। मेरी प्रॉब्लम एंड सिचुएशन सुनने के बाद आर ओ सर ने मुझे सेशन में आपसे बात करने के लिए कहा बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने तुरंत ज्वाइन की एंड मेरी आपसे बात हुई। मैंने मेरी पूरी सिचुएशन आपको बताई। आपसे बात करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी शादी मनीष से हो जाएगी। आपकी बताई हुई रिचुअल एंड रेमेडीज मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बट मन में डर लगा रहा कि फैमिली रिश्ते देख रही है तो कहीं रिश्ता फिक्स ना कर दे और मेरा ये डर सच साबित हो गया। 8-9 दिन बाद मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स हो गया। 1 मंथ के बाद ही शादी की डेट भी फिक्स कर दी। मेरे लिए तो जैसे सब खत्म हो गया था। फिर मुझे आपकी बातें याद आई जो आपने सेशन में बताई थी कि आपकी शादी होगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने सोचा इससे बुरा तो क्या ही होगा तो मैं आपने बताई चीज़ें फॉलो करती रही। शादी की तैयारियां होने लगी फिर भी मैं रूटीन फॉलो करती रही आपकी बात को ध्यान में रखते हुए। शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे तब सडनली जो बिचौलिया था उन्होंने मेरे पापा और चाचा से बिना वजह का झगड़ा कर लिया और वो शादी से अलग हो गए। फैमिली में सबको अजीब लगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन शादी की तैयारियों में किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया और इग्नोर कर दिया। फिर मेरी शादी के 3 दिन पहले मेरी मेहंदी थी एंड वही दिन मैंने एक चमत्कार देखा। मेरे पापा एंड चाचा जी को कहीं से पता चला कि जिस लड़के से मेरी शादी फिक्स हुई है वो सही नहीं है, बुरी आदतें हैं उसमें। ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती सर। और उसी मोमेंट पे पापा ने बिना कुछ सोचे शादी कैंसिल कर दी। पापा ने कहा सब जानते हुए गलत जगह शादी नहीं होगी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली मेरा अच्छा ही चाहती थी। उसी समय पर मैंने फिर से पापा को कहा कि आप प्लीज़ एक बार मनीष एंड उसकी फैमिली से मिल लीजिए, उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। 10-15 दिन बाद सब शांत होने के बाद पापा एंड चाचा मनीष एंड उसकी फैमिली से बात की एंड मीटिंग की। उसके बाद फैमिली को सब ठीक लगा, फाइनली वो मेरी और मनीष की शादी के लिए मान गए। जिस टाइम पे ये सब हुआ मेरे लिए ये कोई चमत्कार या मैजिक से कम नहीं था। जहाँ मेरे लिए सब खत्म हो गया था वहाँ से सब चीज़ें सही हुई थी। मैं और मनीष पूरी लाइफ ऋषभ सर के आभारी रहेंगे। ऋषभ सर, आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और खुशियों से भर दी। मेरी और मनीष की शादी 18 अप्रैल को पूरे तामझाम के साथ हुई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। हर हर महादेव। ऋषभ सर, भगवान हमेशा आपको खुश रखें, सलामत रखें। और यहाँ पे कहानी वो ख़त्म करती हैं। प्यारी प्रतीक्षा जी और मेरे प्यारे मनीष, मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं। ज़िंदगी आप ही ने खूबसूरत बनाई है, मैंने केवल एक निमित्त का काम किया है। मैंने केवल आपको वही चीज़ बताई जो आपकी कुंडली डिटेल्स को देख के मुझे सेशन से पहले पता चली। मैं हमेशा कहता हूँ
ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता क्योंकि ये विज्ञान है। प्रतीक्षा जी आप पे थोड़ी देर में आएंगे, सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी है, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी जान के कितने सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि जिंदगी में आप कुछ नहीं बचा, गलत बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो 3 दिन शादी में बाकी थे, ठीक है, फंक्शन सारे चल रहे थे। प्रैक्टिकली अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या ऐसी सिचुएशन में मैंने या कोई किसी इंसान ने काम नहीं किया? ऐसी सिचुएशन में प्रतीक्षा जी, अब आपकी बात कर रहा हूँ, आपके विश्वास ने काम किया, आपकी पॉजिटिविटी ने काम किया, जो रिचुअल्स मैंने बताए आप अगर उसे फॉलो नहीं करती तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं थी। क्योंकि प्रिडिक्शन तो ये बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका विवाह प्रेम विवाह ही होगा। मनीष जी के साथ आपकी मैचिंग अच्छी दिख रही थी, बस वही चीज़ मैंने आपके साथ साझा की, यानी कि मैं अपने आप को भाग्यशाली बस इतना जानता हूँ कि सही समय पर आप आए, सही समय पर सही बात और सही ज्ञान मैं आपको दे पाया और उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शन लिया। क्योंकि प्रैक्टिकली जो 3 दिन बचे होते हैं, सारे फंक्शन चल रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है पॉजिटिव होना, लेकिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, और सक्सेस स्टोरी भी शेयर करेंगे और जिंदगी खूबसूरत बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सक्सेस स्टोरी से बस एक चीज सीख लीजिए, एक चीज जान लीजिए, जो मैं कहता हूं कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है। पार्टनर नहीं माना तो पार्टनर का फोन आ जाएगा, आई लव यू, मान गए। पेरेंट्स नहीं माने तो पेरेंट्स जैसे कि वो बोल देंगे, पिताजी और चाचा जी क्या, चलो ठीक है बात कर लेते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, वो 1 सेकंड, कभी भी उस 1 सेकंड के ऊपर गिव अप मत करना, जिंदगी खूबसूरत बनेगी, बनेगी और बन के ही रहेगी। चलो समाप्त करता हूं यहां पे सक्सेस स्टोरी, उससे पहले लाइक करो यार वीडियो को, लाइक करो, जिसको जरूरत है उसे भेजो। अगर स्माइल आ गई है चेहरे पे तो आपको नहीं लगता कि कंजूसी करने से कोई मतलब नहीं है, ये स्माइल बांटो, जिसे जरूरत है उसे वीडियो को भेजो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।